समुद्रपुर तालुका के जाम में 9 मार्च को रात में अपने घर के सामने के आंग से दो पहिया वाहन चोरी करने वाले एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तवस्से किए 3 चोरी के मामले उजागर किया। पुलिस के मुताबिक चिकली के लुकेश सूर्य भांजी उराडे ने 9 मार्च को अपने रिश्तेदार दिलीप श्रीराम जाम के घर के आंगन में अपना दोपहिया वाहन नंबर MH32AQ4140 खड़ा किया था। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिसकर्मी अरविंद येनोरकर ने जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर जाम निवासी राहुल रामचंद्र बर्डे को हिरासत में लेके पूछताछ करने के लिए उसके आवास पर छानबीन करने पे दोपहिया उसके घर के पीछे वाले दीवार के पास पाई गई और पूछताछ करने पर 3 महापूर्व शिव के सामने से मालगाड़ी चोरी करने का प्रयास करते हुए मौजा जाम में मंदिर उन्होंने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक वाहन दुर्घटना हुई और उनके पैर में मामूली चोट आई। इसलिए वह क्षतिग्रस्त मालवाहक वाहन को मौके पर छोड़कर चला गया। पिछले 4 महीने पहले समुद्रपुर के पास एक खेत से गांव समुद्रपुर रोड से पास के खेत से सौर ऊर्जा बैटरी चोरी करने के 3 मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत होकर, अपर पुलिस निरीक्षक यशवंत सोलंकी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, थानेदार प्रशांत काय, इनके मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक राम खोत, पुलिस कर्मी अरविंद येनोरकर, विक्की मुस्की, रवि पुरोहित और वैभव सरडे ने कार्रवाई को अंजाम दिया। BCN न्यूज़ के लिए हिंगन घाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।